अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला। आज हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूलों से आप पहले ही फेमिलियर हैं, आप ये दोनों फार्मूले आपको पहले से आते हैं। आज क्या होगा, हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी, ये फॉर्म हमारे पास होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वाली फॉर्म होगी। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ये वाली फॉर्म होगी तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आज हमारे पास ये फॉर्म आएगी, इस फॉर्म को जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इस क्वेश्चन को देखें, ये असल में ये फार्मूला बना हुआ है, ये पहले से ही फार्मूला है, बस आपने इसको एलैबोरेट करना है। ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, ये वाली हमने इसको क्लोज करना है, इसकी क्लोज फॉर्म में लेके जाना है, एक्सपेंड फॉर्म से क्लोज फॉर्म में जाना है। बस एक स्टेप में इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। जैसे देखें, हम x के स्क्वायर को लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, इसी तरह ये लास्ट पे जो 49 है ये 7 का स्क्वायर होता है। आपने हर दफा ये करना है, पहले को भी स्क्वायर और आखिरी वाले को भी स्क्वायर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने इसको 7 का स्क्वायर लिख दिया। हर सवाल में यही होगा, पहले वाले को भी आखिरी वाले को भी। अब इन दोनों की मदद से हमने चेक करना है कि क्या सेंटर वाली वैल्यू पूरी हो रही है, तो हम लिखेंगे प्लस, यही हो सेंटर में क्या होता है 2ab, सेंटर में होता है 2ab, तो हम लिखेंगे 2a हमारा x है, b हमारा 7 है, ये हमने वही बना दिया 2ab, क्योंकि ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, वो वाली फॉर्म हमने पूरी करने की कोशिश की है। तो देखना है कि ये जो हमने 2ab बनाया है ये 14x बनता है, 2 7s are 14x, तो ये देखिए सेंटर वाली वैल्यू भी पूरी हो जाती है, 2 7s are 14x, ये पूरा हो गया। तो देखें, मैंने इसी को एलैबोरेट किया है, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड बी, तो ये पूरा फार्मूला है। ये किस में क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा एक्स, जो भी साइन इसका होता है वो साइन लगाते हैं, जो सेंटर वाली इस वैल्यू का साइन होता है 2ab वाला वो यूज करते हैं, इधर प्लस है तो प्लस, तो बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्लोज हो चुका है। अब अगर आप एक स्टेप मजीद करना चाहते हैं तो इसको दो दफा लिख ले, एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन, जिसके ऊपर पावर 2 होती है उसको दो दफा लिख सकते हैं। तो देखें, ये एक क्वेश्चन था जिसके दो फैक्टर मैंने बना दिए हैं, दो ब्रैकेटों की सूरत में, मल्टीप्लाई की सूरत में इसके दो फैक्टर बन गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि क्या किया है हमने बस इसको एक स्टेप में एलैबोरेट किया है, और फिर ये फार्मूला वाजे हमें नजर आना शुरू हो गया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और फिर हमें पता चल गया इसको किस में क्लोज करना है, ये a और ये b, प्लस का इधर से पता चला ये प्लस a प्लस b का होल स्केयर, ये इसमें क्लोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने तीसरा पार्ट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। तो जरा देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 16 है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्केयर, इसी तरह ये लास्ट पे प्लस 9 ए स्केयर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a होल स्केयर, ये 16 4 का स्केयर, ये 3a का होल स्केयर, क्योंकि ए पे भी स्केयर है तो दोनों का होल स्केयर ऊपर चला जाएगा, 9 क्योंकि 3 का स्केयर होता है और a पे भी स्केयर है दोनों का होल स्केयर। अब हमने देखना प्लस का साइन लगाएंगे, अब इन दोनों की मदद से क्या 24 पूरा होता है, तो लगाएं 2 into a into b, तो देखें 2 2s are 4,
2 4 8 8 3 24 और साथ में 8। तो ये पूरा एक फॉर्मूला है जिसको हमने लेबोरेट कर लिया है। अब ये किस में क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट प्लस इधर से पता चलेगा लास्ट होल स्केयर, मतलब ए प्लस बी का होल स्केयर। अब आपको आप चाहें तो इसको दो दफा लिख लें या ऐसे भी छोड़ दें, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। ऐसे ही छोड़ दें ये भी सही है, या इसको दो दफा लिख लें फिर भी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने तीसरा पार्ट सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, 25x² + 80xy + 64y². तो देखें ये 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्केयर, क्योंकि 25 5 का स्केयर होता है और x के ऊपर भी स्केयर है, तो 25x² बन जाएगा 5x का होल स्केयर। फिर ये लास्ट वाली वैल्यू, ये जो 64 होता है ये 8 का स्केयर होता है और साथ में y है, y के ऊपर भी स्केयर है, इसलिए 8y का होल स्केयर। अब इन दोनों की मदद से ये 80xy पूरा करना है, प्लस 2 × ये जैसे 2 × a, a × b 80।